Yes, a very good morning to all of you. So today is your first revision test, Anna? That is at 5 o'clock. No, no, 2 p.m. At 2 p.m. First revision test at 2 p.m. And one thing more, we have revised all the chapters of first revision test. If you have any problem in starting, you can ask. Then we will move further. किसी को कोई problem? Regarding chapters of first revision. कौन सा parabola? X is equal to yes, एक मिनट. हाँ जी खड़े. वैसे बेटे एक चीज में बताऊं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आएगी नहीं आपको, तो तोड़ना आना चाहिए आपको नंबर को, कि तोड़ते कैसे है ना बता दीजिए. अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स. जैसे मान लो आपको रूट फाइव को ही रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को, रूट टू का देख, यू हैव टू ब्रेक द नंबर इन सच अ वे सच दैट दैट द नंबर आफ्टर द ब्रेकिंग वो वन ऑफ देम शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. जो ब्रेकिंग में आपने दो नंबर लेने हैं उनमें से जो एक है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो इसकी ब्रेकिंग ऐसे हो सकती है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर है. वन प्लस वन that means one square plus one square, right? So you did the breaking in such a way so that you are getting perfect square number in the breaking, right? So this is equal to one square plus one square. Then you have to write both the components of the number as square of certain number. जैसे यहाँ पे हमने लिखा one का square plus one का square. Thank you, Shubhi. ठीक है, देन वी हैव टू प्लॉट वन ऑफ द नंबर आउट ऑफ दिस. ठीक है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे नीचे प्लॉट कर सकते हो. अब यहाँ पे दोनों सेम है तो इसका मतलब आप दोनों में से कोई एक कर लो. वन, दोनों ही वन है तो किसी को भी किया जा सकता है. वी आर टेकिंग इट टू बी लाइक दिस एज दिस दिस इज द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स. तो इसको लेने के लिए, रूट टू को लाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी. And for using Pythagoras theorem, 90 degrees angle is must. You have to make 90 degree. So at B, you can make 90 degree like this. B के आपने 90 degree बना दिया, right? अब देखो ये जो हिस्सा है इसको तोड़ के ये दो हिस्से आए. ठीक है, इसकी इसका breaking component ये है. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा बड़ा होगा, ये दोनों छोटे होंगे. एंड दिस विल ऑलवेज बी बिगर बिकॉज वी हैव ब्रोकन इट इनटू टू पीसेस. सो व्हाट इट मींस इफ वी आर गोइंग विद पाइथागोरस थ्योरम, द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. यानी कि हमारा ये जो रूट टू है ये तो किसी ना किसी तरह से हाइपोटेन्यूज बन के आएगा. बच्चा क्या, वन इसने परपेंडिकुलर में जाना है. ठीक है, क्या करेंगे, टेकिंग द नीडल एट द पॉइंट बी यू विल कट एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर वहां के टू बी सी पॉइंट. This is one. ठीक है, and after that you will join this AC. Then definitely by using Pythagoras theorem in triangle ABC you will get AC to be root. AC की वैल्यू आपके पास रूट टू आ जाएगी. ठीक होगी बात. मतलब कि जब भी आपने ब्रेकिंग करनी है, जैसे हमने रूट फाइव ही किया, इसकी ब्रेकिंग भी वी विल डू इन सच अ वे सच दैट वी गेट वन टू बी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर एंड अनदर नंबर कैन बी एनी नंबर. ये जरूरी नहीं था कि एक ही परफेक्ट स्क्वेयर हो, दोनों भी परफेक्ट स्क्वेयर हो सकते हैं. ठीक है, बट वन एटलीस्ट वन शुड बी द परफेक्ट स्क्वेयर. सो व्हेन आई एम ब्रेकिंग रूट फाइव आई वुड लाइक टू ब्रेक इट लाइक 4 + 1. देन यू हैव टू राइट देम एज अ स्क्वेयर ऑफ अ नंबर. सो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वेयर एंड 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वेयर. अब फिर से वही बात, दे ऑल विल गो विद पाइथागोरस थ्योरम, राइट राइट. So, किसी एक को आपको बेस लेना पड़ेगा. लेट अस टेक टू एज बेस.
So as we are going to apply Pythagoras theorem, so we have to make a right angle 90 degree. So I'm going to have a right angle. Right angle. Now these two are the parts of root actually five. हमने जब फाइव को ब्रेक किया तो ये उसके पार्ट्स बने, तो इसका मतलब फाइव विल बी रूट फाइव विल बी ग्रेटर इन दोनों की वैल्यू से, तो इसका मतलब ये हुआ दिस विल बी हाइपोटेन्यूज. बचा क्या, टू हमने ड्रॉ कर लिया, वन बचा, वन विल बी अलोंग परपेंडिकुलर, सो टेकिंग बी एज सेंटर दिस इज वन, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल यू विल गेट ए सी एज हाइपोटेन्यूज एंड इट्स वैल्यू विल बी रूट फाइव. ठीक होगी बात. तो ये बेटे बी पे रख के 90 डिग्री से ही है, 90 डिग्री से ही परपेंडिकुलर की लेंथ होती है, सो वी पुट इट ऑन बी. ठीक है, हाँ हाँ अभी तो हाँ बिल्कुल ठीक है. गुरशान ने या रिकॉल किया कि दिस इज रूट फाइव इन द एयर, वी वांट टू मेक इट ऑन द नंबर लाइन, हम तो इसको नंबर लाइन पे लाना चाहते थे. व्हाट वी पीपल डू, कीपिंग द नीडल एट द पॉइंट ए, AC को मेजर करो, इतनी कंपास खोल के A को सेंटर लेते हुए इधर की तरफ आ, दिस इज पॉइंट डी, राइट. सो AD इज इक्वल टू रूट फाइव, डी रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन, वी हैव ड्रॉन इट बाय टेकिंग A एज ओरिजिन, सो AD इज इक्वल टू रूट फाइव, राइट. So this is all about the chapters of first revision test. I put one PDF yesterday in the group of case studies of all the chapters of the first revision test. Hope you have studied it well and accordingly have done practice of it for exams. Have you, JJ sisters? Dekha? Kitno ne dekha bhi nahi hoga group mein. Navneet, dekhi thi PDFs jo maine case study ki dali hai. ठीक है, सो केस स्टडी की प्रैक्टिस आप खुद करोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट है सारे, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने ही आपको जो है वो इजी भी लगेगा और आप कर भी पाओगे. ठीक है, चलो अब अभी आज हमारा फर्स्ट रिवीजन टेस्ट ही है, तो अगला चैप्टर क्या शुरू करना. Let us do some assertion reasoning from linear equations. This is the linear equation chapter. चलो coordinate geometry से करते हैं, इसमें coordinate geometry chapter है. Perpendicular distance of P 2, 3 from y axis is 2 units. Perpendicular distance of point 2, 3 from y axis is 2 units. To get mirror image of a point about x-axis sine of y-coordinate. Will be changed. हाँ जी लवण्या, what you can say about assertion?
assertion is false. Perpendicular distance of 2, 3 from y-axis is 2 unit. True, eh? Y-axis is a perpendicular distance always represented by the x-coordinate of the point. That is true. Hanji? Assertion is true. Okay. Dhare, what you can say about reason? Mirror image or reflection? जब हम x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट इज सीन. दैट मींस रीजन इज आल्सो करेक्ट. बट इज द रीजन राइट एक्सप्लेनेशन फॉर अजम्पशन? नो. रीजन और अजम्पशन का कोई आपस में लिंक नहीं है. सो बी ऑप्शन इज, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजम्पशन. ठीक है, नेक्स्ट देखो. What you can say about reason? 2, 0, 5, 0, 6, 0, 0, 3, 0, 4 are the points which do not lie any of the quadrant. Reason is true because we have learned. 1 minute. We have done it in the previous concepts that the points whose x coordinate or y coordinate is zero, they lie on the axis. X coordinate zero, then y axis. y कोऑर्डिनेट जीरो देन x एक्सिस. ठीक है, ये हमने किया था बच्चे. यही तो बात है, यही समझने वाली बात है. जब हम एक्सिस पे बैठे हैं तो हम किसी क्वाड्रेंट में एंटर नहीं हुए. जब हम गंगा के तट पे जाते हैं तो गंगा के तट पे बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी में डुबकियां लगा रहे. ठीक है ना, जब हम अंदर एंटर करेंगे इधर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, देन वी विल से दैट वी एंटर्ड इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट. That means इन पॉइंट्स का जो x एक्सिस और y एक्सिस पे बैठे होते हैं कहां से आ रहे तुम लोग? That means जो पॉइंट्स x एक्सिस या y एक्सिस पे बैठे होते हैं they do not have any of the quadrant. वो किसी quadrant में lie नहीं करते. Assertion is correct. Points whose x coordinate और y coordinate is zero lie in the second quadrant. False. क्योंकि बिल्कुल हमें क्लियर है ये बात कि जिस पॉइंट का आइदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया वो पॉइंट हमेशा एक्सिस पे लाई करते हैं. दे डोंट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट. नेक्स्ट graph of x plus y is equal to 2 will always pass through
ओरिजिन रीजन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. Graph of linear equation x plus y is equal to 2 will always pass through origin. What do you say about this? True? Anshya? No? If it is no, your answer is no, then can you explain why you are saying no? This is true or false? Dear sisters, assertion is true. Anyone else? Assertion is true. Anyone who say that this assertion is false? Graph of this will always pass through origin. बच्चे देखो, अगर कोई किसी equation का graph किसी particular point में से pass करता है, तो वो point equation का क्या होता है? Solution. आप 0, 0 को इसमें put करके देखो, solution बन रहा है. पुट करो x की जगह पे 0, y की जगह 0. डू यू गेट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टू बी इक्वल? जब इक्वल ही नहीं है, सो हाउ दिस कैन बी 0, 0 कैन बी सॉल्यूशन, ओरिजिन कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, एंड इफ इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन देन हाउ इट कैन पास थ्रू इट्स ग्राफ? व्हाट यू कैन से अबाउट असर्शन? फॉल्स. देखो, घुमा के थोड़ा सा कह दिया कि ग्राफ इसका इससे पास करेगा ओरिजिन से, तो आप कंफ्यूज हो. ग्राफ के पास करने का इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट इक्वेशन का सॉल्यूशन है. जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफ में कैसे पास करेगा? सो दिस अजर्शन इज टोटली फॉल्स. नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज ट्रू. वी लर्न जितनी भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वी ऑलवेज गेट अ क्या? स्ट्रेट लाइन. Which option is correct? C. देख लेना, कई बार सी और डी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया होता है. डी पहले लिख दिया गया होता, सी बाद में. अच्छे से ध्यान से पेपर में पढ़ के करना. General form, the values of A, B and C in the equation 5y minus 2x minus 3 equal to 0 are A is equal to 5, B is equal to minus 2 and C is equal to 3. Reason. AX plus BY plus C equal to 0. B2. AX plus BY plus C equal to 0 is general form of linear equation in two variables where A and B are not both zero. Assertion is false, reason is correct. Because when we are discussing about this assertion, we know that in the general form, coefficient of X represent A, coefficient of y represent b, and a constant term is c. No doubt constant term usne c ko hi represent kiya, but that is to be represented with negative sign, rather it is with the positive sign. So assertion is totally false. And as far as reason is concerned, ax plus by plus c equal to 0, general form of the linear equation in two variables where both a and b are not zero, not both zero simultaneously. एक साथ जीरो नहीं हो सकते.
So reason is very much true. Next. हाँ जी, तू कौन है जी? The distance of the points 20 minus 20 02 and 0 minus 2 are these points, they are equidistant from the origin. That means origin se in points ka distance jo hai wo same hai. Agar kisi ko nahi pata chal raha to let us see. This is our origin. We draw 20 like this. What is the distance of this point from origin? 2. And we draw minus 20. Again 2 units origin se. If we draw 0 2, what is the distance from origin? 2 units. And 0 minus 2 ka bhi 2 units. Sare points ka origin se distance jo hai barabar hai. Assertion is very much true. And if we are talking about reason, distance of this is minus 2 unit and this from origin is 2 units. Reason is false, because distance we can't take it to be negative. We just identify the direction of a point by taking the negative sign. You can have it. So assertion is true, but the reason is false. Is the solution of 2x plus 5y equal to 9. Solution check karo. False are left and right hand side are not equal. Solution of a line always lies on a graph. This is true. Aise hi assertion reason bete honge. Kuch isme ghabrana nahi hai. Just conceptual. Aapne dekha ki agar aapko concept aate ho, to kitni asani se aapne mujhe bata diya na. So all the best for today's test. Do your best and all of you, please, you are requested, your advice, you please do your test honestly, right?